Good morning to all of you. This is your SST period, and yesterday we did chapter number 1 of history from supplementary book, and today we are going to do chapter number 1 of history from NCERT book. So open your NCERT books of history at page number 1. I am counting down to 5. You have to open your NCERT books. 1 2 3 4 5. Okay, very good. So let's start chapter number 1. Chapter name is what, where, how and when. So our first topic of this chapter is finding out what happened. ये find करना कि क्या हुआ. Yesterday का बहुत easy है. कल हमने क्या किया, कल आपने कौन से radio का कौन सा channel सुना, television में क्या देखा, newspaper में क्या पढ़ा. We can easily tell. ईज़िली हम बता सकते हैं ये चीज़. लास्ट ईयर क्या हुआ था, कौन से क्वेश्चंस आए थे पेपर में, आपने लास्ट ईयर आप कहाँ गए थे, ये भी हम आंसर कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग अगो, इतने टाइम पहले आप कहाँ जाओगे, कैसे पता करोगे जब आप थे ही नहीं. अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि आज से 20 साल पहले रूलर कौन था या कौन हमारा पीएम था, या कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे, देन हाउ विल यू आंसर इट, आप तो थे ही नहीं. देन यू विल आंसर इट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री. ओके, लेट अस सी हाउ कैन इट बी डन, कैसे हम ये कर सकते हैं, ये देखते हैं. जो फर्स्ट आ जाता है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में. बहुत सारी थिंग्स ऐसी हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन से हाउसेस में रहते थे, लाइफ ऑफ हंटर, हर्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब की लाइफ के बारे में जान सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट कौन सी गेम्स खेलते थे बच्चे, कौन सी स्टोरीज़ वो सुनना पसंद करते थे, या कौन सी स्टोरीज़ वो सुनते थे, कौन सा प्ले जो है वो खेलते थे, कौन सी गेम वो प्ले करते थे, और कौन से सॉन्ग वो सुनते थे. ये सब कुछ हम जो है पास्ट के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ पे रहते थे. मैं आपको मैप दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे. तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है नर्मदा रिवर. ओके, सो वेयर इज़ नर्मदा रिवर, फाइंड आउट. आई एम नॉट एबल टू सी इट. सो ये रही आपकी नर्मदा रिवर. यहाँ पर नर्मदा रिवर हमने फाइंड आउट कर लिया मैप में. सो आगे ये क्या कह रहे हैं, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, रिवर्स बैंक ऑफ रिवर के पास रहते थे 100,000 ईयर्स अगो. कुछ लोग जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, गैदरर्स थे. वो अपना खाना गैदर करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे टू फाइंड फूड, है ना. उनको पता था कि जो प्लांट्स है उसकी क्या वेल्थ है, फॉरेस्ट की क्या इम्पॉर्टेंस है, रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, और भी जो भी फॉरेस्ट जो देते थे उनको कलेक्ट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2. अब हम इन्होंने कहा है कि नाउ फाइंड द सोलेमन एंड किरतार हिल्स टू नॉर्थ वेस्ट. अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमने क्या फाइंड आउट करना है, सोलेमन, ये रहा. ओके, यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर लिया. अब इसमें क्या है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन जो थे फर्स्ट ग्रो करना स्टार्ट किए थे इन्होंने क्रॉप्स, वीट और बार्ले जो था 8,000 ईयर्स अगो उगाया जाता था यहाँ पे, कहाँ पर, सोलेमन में. और पीपल जो थे यहाँ पर एनिमल्स रियर करते थे, लाइक शीप हो गया, गॉट हो गया, कैटल, ये सब विलेजेस में रहते थे. अब हमने क्या करना है, लोकेट करना है गैरो हिल्स. गैरो हिल्स भी इसी में ही हैं. ओके, यहाँ पर एक्चुअली पिक्चर जो है वो इतनी क्लियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं विजिबल हो रहा है, बट यू कैन फाइंड इट इजीली विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स. ठीक है, सो जो गैरो हिल्स था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, तो इधर ही होगा, ये रहा. ओके, गैरो हिल्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो विंध्यास जो है सेंट्रल इंडिया में है. कुछ और भी एरियाज थे
पेज नंबर 3 ओपन कर लो, कुछ और भी एरियाज थे जहाँ पर एग्रीकल्चर जो थी पूरी तरह से डेवलप थी, और यहाँ पर जो फर्स्ट था वो क्या उगाया गया था, नॉर्थ विंध्या में उगाया गया था क्रॉप्स, ओके। और आगे है ट्रेस द रिवर इंदू, सब आपने रिवर इंदू और ट्रिब्यूटरी जो है वहाँ पर ट्रेस करनी है मैप में, जो मैप नंबर 1 था। 4700 ईयर्स अगो कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ ऐसी थी जो बैंक ऑफ रिवर्स के पास थी और वो सक्सेसफुल हो रही थी। लेटर 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ जो थी डेवलप हुई थी वहाँ पर, वो भी सी कोस्ट के पास ही थी, ओके। सो नेक्स्ट है, हमने लोकेट करनी है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, जिसको उसको सन भी कहा जाता है। तो इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स, जितने भी एरियाज होते थे इन रिवर्स के आसपास साउथ वाली साइड, तो उनको नोन एज मगध कहा जाता था, नाउ जो बिहार में है मगध। और इनके जो रूलर्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक किंगडम सेटअप कर दिया था। किंगडम्स जो थे वो सेटअप हुए थे अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में भी, ये नहीं था सिर्फ एक ही एरिया में, बाकी अदर कंट्रीज़ में भी ये जो था सेटअप हुआ था। नेक्स्ट आपका आ जाता है थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट फॉर द सब कॉन्टिनेंट, जो लोग थे वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पर ट्रैवल करते थे। जो हिल्स एंड हाई माउंटेन्स थे लाइक हिमालय हो गया, डेजर्ट, रिवर, सीज, इन्होंने भी जो जर्नी थी यहाँ पर डेंजरस होती थी कई टाइम्स पे, और कई टाइम पे इम्पॉसिबल भी होता था वहाँ पे जाना। सो मैन और वुमेन जो थे वो लाइवलीहुड के लिए सर्च करते रहते थे अलग अलग जगहों पे, और जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स आते थे, जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स आते थे वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता था। जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते थे तो वहाँ से चले जाते थे, लाइक नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड आ जाना या ड्रॉट आ जाना, तो कुछ लोग थे वो आर्मी में चले जाते थे, कुछ कारावान में जाके या शिप्स में जाके ट्रैवल करते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे। और जो रिलीजियस टीचर्स थे वो विलेज टू विलेज जाते होते थे, टाउन टू टाउन जाते थे ताकि उनको एडवाइस दे सकें। फाइनली कुछ पीपल जो ऐसे थे वो ट्रैवल करते थे एडवेंचर के लिए, वो डिस्कवर करना चाहते थे कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस पे विजिट करना चाहते थे। ये सब कुछ क्या था, लोग आपस में एक दूसरे को जो थे आइडियाज शेयर कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, जो लोग हैं वो ट्रैवल क्यों करते हैं। अगर हम मैप की तरफ देखते हैं एक और बार तो हिल्स माउंटेन सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स जो हैं वो वहाँ पर इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, चले भी जाते हैं इनको पार करके, है ना, क्रॉस करके। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट, जो अक्रॉस द सीज सी हैं वो भी इधर को आते हैं और यहाँ पर सेटल होते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पेज पे देखो, ये जो मूवमेंट्स है लोगों की, ये ट्रेडिशन बन चुका है, कल्चरल ट्रेडिशन बन चुका है। पीपल जो है नाउडेज बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, फूड कुक कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत कुछ चेंज कर दिया। लाइक पहले देखो फायर के साथ जो था खाना बनाया जाता था, है ना, फॉरेस्ट में बनाया जाता था, बट अब हमारे पास गैस स्टोव आ चुका है, तो सिलेंडर आ चुके हैं, तो इसकी हेल्प से जो है खाना बनाने का वे भी हमारा चेंज हो चुका है टाइमली। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है, आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है नेम्स ऑफ द लैंड, लैंड के नेम्स क्या थे। टू ऑफ द वर्ड्स, अगर देखा जाए हमारी कंट्री के लिए टू वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट इज़ इंडिया एंड नेक्स्ट इज़ भारत। इंडिया और भारत जो है वर्ड हमारी कंट्री के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो वर्ड इंडिया है वो आया है इंदूस वर्ड से, कौन से वर्ड से, इंदूस वर्ड से, जिसको हम सिंधु भी बोल सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। अब हमने ईरान और ग्रीस जो है हमारे एटलस में फाइंड करना है, आप मैप में भी फाइंड कर सकते हो। अब जो ईरानियंस हैं और ग्रीक्स हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए हैं 2500 ईयर्स अगो, तो वो फैमिलियर है कि इंदूस क्या है, उसको हिंदूस कहा जाता है या इंदूस कहा जाता है, और जो लैंड ईस्ट की तरफ है रिवर है उसको इंडिया कहा जाता है। अब जो भारत वर्ड है वो यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं,
जो कि ऋग्वेदा में मेंशन किए गए हैं, जिनकी अर्लीस्ट कंपोजिशन की गई थी संस्कृत में और लेटर इट वाज यूज्ड फॉर आवर कंट्री। अब पता चल गया कि नेम्स ऑफ द लैंड हमारा इंडिया है, और इंडिया जो है हमारी कंट्री है। हमारी कंट्री के लिए टू वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट इज़ इंडिया एंड नेक्स्ट इज़ भारत। तो देखो, मैंने आज आपको मैंने कल आपको जो है आज ही मैं आपको सेंड करूँगी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं, जो कि सप्लीमेंट्री बुक के हैं। आई विल शेयर इट टुडे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, जहाँ तक हमने चैप्टर रीड कर लिया है, हमने यहाँ तक चैप्टर रीड किया है, तो ये फोर्थ पेज है। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप फाइंड आउट करोगे और मेरे को पिक्स शेयर करोगे। इस मैसेज को बेटा इग्नोर मत किया करो, ट्राई टू डू योर सेल्फ, अपने आप करने की ट्राई किया करो, तभी माइंड शार्प होता है। मैं तो करवा ही देती हूँ आपको, बट आप ट्राई तो कर ही सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं और मेरे साथ शेयर करने हैं। एंड सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको आज भेज दिए जाएंगे, आपने अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है। ओके, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।